सितारगंज में बढ़ती ठंड को देखते हुए कुछ सभासद ने रेंज ऑफिस सितारगंज ज्ञापन देने पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि इस बार बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही है। इसी को देखते हुए वन विभाग हमें सरकारी रेट पर लकड़ी उपलब्ध कराता था, पर अब की बार ऐसा नहीं हुआ। पूर्व में भी हमने एक ज्ञापन दिया था कि हमें वन विभाग से सरकारी रेट पर लकड़ी उपलब्ध कराई जाए। हमें बाहर से लकड़ी खरीदने पड़ रही है, जो कि 400 रुपए क्विंटल खरीदने पर हमें महंगी पड़ रही है। ऐसे क्षेत्र में जला रहे हैं और जैसे कि क्षेत्र में जो है ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, उसी द्वारा जो है अलाव की हमें आवश्यकता पड़ रही है। लोग लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो वन विभाग हमें जो है सरकारी रेटों पर उपलब्ध कराता था लकड़ी, वो लकड़ी इस बार हमें उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। हमें जो है महंगे दामों में जो है 400 रुपये क्विंटल की लकड़ी खरीदी जा रही है, जिससे कि हमें अधिक भार पड़ रहा है, दामों का अधिक भार पड़ रहा है हम पर। हम लगातार जो है वन विभाग से, हमने इससे पूर्व भी एक पत्र देकर जो है वन विभाग से मांग करी थी कि हमें सरकारी रेटों पर जो है लकड़ी उपलब्ध कराएं, जिससे कि क्षेत्र की जनता को अधिक से अधिक हम जो है सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जला सकें और उन क्षेत्र की जनता को राहत मिले। हमने रेंजर महोदय को जो है वन क्षेत्र अधिकारी जी को लिखित में ज्ञापन सौंपा है सहमति से। अच्छा, कोई जवाब मिला? फिलहाल तो अभी वो हमें मिले नहीं, लेकिन हमारा ज्ञापन रिसीव हो गया और अगर नहीं करेंगे तो हम फिर इसको लेके व्यापक जो है और उच्च अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, तो हम इसके लिए भी बाध्य होंगे।